तारीख में हर पैगंबर ने अपनी अपनी उम्मत को मजहब दुश्मन दज्जाल या झूठे मसीहा के बारे में इंतबाह पा। आज के दौर में धोखाधड़ी आम है, करप्शन हर जगह हो रही है, जंगो जदल में इजाफा हो रहा है, भूख और अफलास में इजाफा हो रहा है, जिसके नतीजे में अमवात की शरह बढ़ रही है। क्या तमाम उम्मीदें खत्म हो गई हैं? क्या हम उस मकाम पर पहुंच गए हैं जहां से वापसी नामुमकिन है? सबसे अहम सवाल तो यह है कि यह सब हुआ कैसे? क्या पूरी दुनिया अंधी हो गई है? क्या यह सब इत्तफाकिया है? या फिर जो कुछ भी हो रहा है इसकी मंसूबाबंदी सदियों पहले की गई थी, जो अब ज़हूर पजीर हो रहा है? यह पहेली अब आहिस्ता आहिस्ता समझ आ रही है। यह सब क्यों और किसके कहने पर हो रहा है? खुशियों और आसाइशों की बुनियाद गलत और आरजी है, जिसमें मादा परस्ती का अंसर गालिब है। हमारा ईमान कमजोर हो चुका है, इसकी रूह खत्म हो चुकी है। अब इसकी जगह लालच, नफरत और हसद ने ले ली है। तकसीम करो और हुक्मरानी करो, इस मकूले पर अमल हो रहा है। क्या हम तकसीम नहीं हो चुके? क्या हमारी रूह पर कब्जा नहीं किया गया? या हमने अपने असातिज़ा के सबक नहीं भुला दिए? ये सब आखिरकार हमें कहां ले जाएगा? हम किसका हुक्म बजा ला रहे हैं? क्या आपको इल्म है? कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें सब पता है। ये लोग अरसा दराज से मंसूबाबंदी कर रहे हैं और किसी की आमद के मुंतजिर हैं और मुसलसल इसके लिए काम कर रहे हैं। ये लोग आपको इसकी आमद के बारे में बेखबर रखना चाहते हैं। यही लोग आपकी रूह को भटका रहे हैं ताकि आप उनके कंट्रोल में रहें। आपको इतना ज्यादा मसरूफ बना दिया गया है कि आपको खबर तक नहीं हो सकी कि एक नया वर्ल्ड ऑर्डर इसकी आमद से पहले तैयार कर लिया गया है। दो साल कबल मैं अपनी रिसर्च की बदौलत इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि मामला इससे भी ज्यादा गंभीर है। ये गैर मरबूत नेटवर्क है, ये एक साजिश है। इस नए वर्ल्ड ऑर्डर के बाद हम अपने अजीम मकसद में कामयाब हैं। इसने कहा कि ये अंधे गुलाम अपने आप को आज़ाद समझते हैं। अब इल्म हासिल कर लेने के बाद भी लोग पीछे चल रहे हैं। क्या आपने कभी किसी सड़क पर इश्तिहारी बोर्ड, साइन या लोगो देखा है और उसका तज्जिया किया है? हम 1784 से शुरू करते हैं। बावेरियन हुकूमत को अचानक ऐसी शवाहिद मिल गए जिससे एक बड़ी लूसीफरियन साजिश का इल्म होता है। इस साजिशी मनसूबे का मकसद दुनिया की तमाम हुकूमतों और मज़ाहिब का खात्मा बताया गया है। 1776 में वाइसप ने इल्यूमिनाती को मनसूबे पर अमल दरामद करने का इशारा दिया। लफ्ज़ इल्यूमिनाती दरअसल लूसीफर से माखूज है, जिसका मतलब रोशनी रखने वाले हैं। वाइसप के प्लान के मुताबिक इल्यूमिनाती को चंद हिदायत दी गई। नंबर 1, दौलत और सेक्स को बतौर रिश्वत इस्तेमाल करो और उन लोगों पर कंट्रोल हासिल करो जो आला अहदों पर फायज हैं। ऐसे लोग जो अवामी और हुकूमती दोनों सतह पर बाज़ हैं। जब कोई ओहदेदार इल्यूमिनाती के जाल में फंसकर ऐशो इशरत की जिंदगी में गुम हो जाता है तो उस तंजीम की चक्कर में आ जाता है। फिर इसे ब्लैकमेल के जरिए हर वक्त खौफजदा रखा जाता है और धमकी दी जाती है कि अगर उसने इल्यूमिनाती की डिमांड्स पूरी ना की तो उसे मुआशरे में बदनाम किया जाएगा, और कई वाक़यात में उसको और उसके रिश्तेदारों को कत्ल की धमकियाँ भी दी जाती रही हैं। नंबर 12, हुकूमती इदारों में आला अहदों के लिए ऐसे लोगों का इंतखाब किया जाए जो मोहरों की तरह हुक्म बजा लाते रहे और पस मंजर में मौजूद कुव्वतों के इशारों पर चलते रहे। इल्यूमिनाती तंजीम के मेम्बरान को बचपन ही से चुन लिया जाता है और उनकी परवरिश और तरबियत इस तरह की जाती है कि उन्होंने मुल्क का निज़ाम चलाना है। नंबर 13, प्रेस को कंट्रोल करो। नंबर 16, फ्रीमेसन तंजीम में दाखिल होकर उसे अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करो, और ये बात कई बार साबित हो चुकी है। कमाल होशियारी से झूठ बोलते रहो और नए नए नारे मुतारिफ करवाओ और आवाम से खुशनुमा वादे करो, भले ऐसे वादों पर अमल दरामद हो ही ना सकता हो। मैं अपने वतन पर लगने वाले जख्म नहीं भूल सकता और ना ही जख्म लगाने वालों को भुला सकता हूँ। मैं कभी हिम्मत नहीं हारूंगा, ना आराम करूंगा और ना ही अमरीकी आवाम की सिक्योरिटी और आज़ादी पर समझौता करूंगा। मैं इसकी तलाश में ज्यादा वक्त सर्व नहीं कर सकता। हम कभी हिम्मत नहीं हारेंगे और ना अपने मकसद से हटेंगे और हम नाकाम नहीं हो सकते। दहशतगर्दी एक शख्स से बढ़कर नहीं। मुझे याद है उसने जो कुछ मुझे बताया था, और वो हमें गारों में बैठे देखता है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के अवाम जहाँ मौजूद हैं, और ये दहशतगर्दी के खिलाफ जो जंग है उसमें दुश्मन कौन है ये वाजे नहीं है। किसको इल्म है कि वो कौन सी गार में छुपा हुआ है? 9/11 के वाक़े की वजह से उसका इम्तिहान तमाम अमरीकी से दूर से ज्यादा था। हमने पिछले 10 वर्षों में सर्द जंग को खत्म करके बहुत तरक्की की है। अब हमारे सामने एक मौका मौजूद है कि हम अपनी आने वाली नस्लों के लिए न्यू वर्ल्ड ऑर्डर शुरू कर सकें। अगर मैं ये कहूँ कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आप ये कहेंगे कि मैं पागल हूँ? मैं नींद से जागूंगा, तब सोचना शुरू करूंगा यहाँ पर हो क्या रहा है। कुरान हकीम में फिरौनों का जिक्र कई मरतबा आया है। तारीख भी हमें बताती है कि फिरौनों ने कई ऐसे मदरसे कायम कर रखे थे जो आवाम के दिलों और दिमागों को कंट्रोल करने का हुनर सिखाया करते थे। इन स्कूलों के तलबा को खुफिया उलूम की तालीम दी जाती थी। इस इल्म की बदौलत तलबा जिन्नात और रूहों को हाजिर कर सकते थे। ये बदरूहें आमतौर पर सांपों की इमेज में हाजिर की जाती थी। फिरौनों का मर्तबा चाहे कितना ही बुलंद होता, लेकिन इनके ताज पर सांप की छवि बना दी जाती थी। सांप को शैतान का नुमाइंदा समझा जाता था जो रियासत के तमाम मामला चलाता था। इन खुफिया मदरसों के फारिग तहसील तलबा को इक्तिदार के ऐवानों में आला औहदों पर तैनात किया जाता था। बाद में एक मखरूती स्ट्रक्चर बनाया गया जिसमें इस इलीट को सबसे मुमताज मकाम अता किया गया। इस मखरूती सिस्टम के कयाम से फिरौन को मजहबी, इक्तिसादी, अदालती, ज़राती और सेहत से मुतालिक उमूर पर मुकम्मल दस्तरस हासिल होती थी। इस सिस्टम के तहत किसी आम आदमी के लिए खुद अपने इलाज की दवा और बच्चों के लिए खाना हासिल करना मुश्किल बना दिया जाता था। वो तो इबादत भी खुद नहीं कर सकता था, बल्कि इसे इस सिलसिले में फिरौनों की मदद हासिल करनी पड़ती थी। इस मखरूती सिस्टम के तहत आवाम को मुकम्मल तौर पर हुक्मरानों के कंट्रोल में रखा जाता था। फिरौनों को इस बात का भी इल्म था कि इस्तेहसाल का ये निजाम ज्यादा देर चलने वाला नहीं, इसलिए एक ऐसा सिस्टम तैयार किया गया जिसके कारिंदे मुख्तलिफ जादुई मंत्रों के माहिर होते थे। ये लोग जादू करके लोगों के जहनों को मसहूर कर देते थे। जादूगर बदरूहों को हाजिर करके लोगों के सामने मौज करते थे। इन फिरौनों के बड़े बड़े मुजस्समे शहर के हर कोने में नस्ब होते थे। हर जगह फिरौन की शक्ल देखने को मिलती तो हर आम आदमी इन्हें खुदा का नुमाइंदा समझने लगता था और खुद को हकीर तरीन इंसान समझता था और इनकी इताअत करता था। तारीख में सबसे ताकतवर फिरौन रमज़ेस दोयम गुजरा है, जिसके ऐद में मखरूती सिस्टम तरतीब दिया गया। वो अपने नकूश देवकामत मुजस्समों के जरिए हर जगह और हर मकाम पर लगवाया करता था ताकि इसकी धाक लोगों के लाशऊर में बैठ जाए। कई इस्लामी स्कॉलर्स का ख्याल है कुरान हकीम में अल्लाह ताला ने जिस फिरौन का इशारा दिया है वो दर हकीकत हजरत मूसा के जमाने का रमज़ेस दोयम था। इस फिरौन को बाद में आने वाले हुक्मरानों ने अपनी नस्ल का बानी कहा है। मौजूदा दौर के फिरौन के चेले जब अपनी आला नस्ल का जिक्र करते हैं तो वो कहना यही चाहते हैं इनकी रगों में रमज़ेस का खून मौजूद है और वो सबसे अफजल है। अल्लाह की जानिब से एक बड़ा इशारा, इतना बड़ा जितना कि एक पहाड़ दुनिया में नमदार हो चुका। फिरौन की मौत कैसे वाकई हुई? जब फिरौन पानी में डूब रहा था तो उसकी आंखों से पर्दा हटाया गया। इससे पहले वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पैगाम को झुठला रहा था, मैं तुम्हारे खुदा को नहीं मानता, मैं सबसे बड़ा खुदा हूँ। जब इसकी आंखों से पट्टी हट गई तब इसे एहसास हुआ कि वो तो डूब रहा है। फिरौन, तुम एक बच्चे हो, खुदा नहीं हो। वो तो सच्चे खुदा को मानते थे, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और इस्राइली। इस तरह इसने अपने ईमान का इजहार किया जब वो खुद डूब रहा था। फिरौन ने मरते वक्त खुदा को तस्लीम किया और अल्लाह ताला ने उस वक्त फरमाया, अब बताओ फिरौन, इससे पहले तुम अल्लाह के वजूद से इनकारी थे और बागी थे। तुम्हारे फाकी जिस्म को महफूज किया गया ताकि आने वाली नस्लें तारीखी हवाले से तुम्हारा हशर देख सके। ये अल्लाह की जानिब से एक वाज़ेह इशारा था। وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون scientist, I don't recall who it was. एक साइंसदान जिसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, उसने एक दिलचस्प बयान दिया था कि ये कायनात हमारी सोच से कहीं ज्यादा अजीब है। मुझे ये समझ नहीं आती कि कौन ऐसा शख्स होगा जो मौजूदा मॉडर्न दौर का इदराक रखता हो और इस बात की अहमियत को न जान सके कि अमेरिका ने यूरोप और दुनिया के कई ममालिक की तामीर और तरक्की में अहम किरदार अदा किया है। कुरान हकीम तो तमाम ज़माओ मकां के लिए है। हम फिर इसी सवाल पर आ गए हैं कि आज के ये फिरौन कौन लोग हैं। एक मुसलमान की हैसियत से हर कोई जानता है कि कुरान किसी एक खास जगह या वक्त के लिए नाजिल नहीं हुआ, बल्कि तमाम ज़माओं मकाम और इंसानियत की भलाई के लिए आया है। ये बात हमें ज़हन नशीन रखनी होगी, फिरौन के परस्तार कौन से लोग हैं। फ्रीमेसन वो खुफिया सोसाइटी है जिसने इन खुफिया रूम को राज में रखा और मौजूदा जमाने तक पहुंचा। जिस स्ट्रक्चर के तहत दुनिया के निजाम को चलाया जा रहा है, इसमें चंद अफराद अहम रोल अदा करते हैं। इसकी मिसाल रूसी गुड़ियों जैसी है। एक गुड़िया के अंदर कई और गुड़ियां मौजूद होती हैं। मैं इसे एक जाल करार देता हूँ जिसमें ये सब फिट हो जाते हैं। ये एक इल्यूमिनाती तंजीम के मेंबर हैं जो अपने आप को खुफिया उलूम से मुनव्वर समझते हैं, वो इल्म जो हम लोगों तक नहीं पहुँचता। अब तक ये हकीकत सामने आ गई है कि एक मखसूस ग्रुप ने तारीख में अपनी सरगर्मियां जारी रखी और इन लोगों ने फिरौनियत का सिस्टम अपनाए रखा। दुनिया में शोहरत याफ्ता अफराद की कसीर तादाद इस तरह की रसूमात अदा करती है जो तारीख में मिस्र और बाबुल में करती थी। ये सिलसिला लगातार चला आ रहा है, इसका तसलसल कहीं नहीं रुका। इल्लुमिनाती ग्रुप ने हजारों साल पहले फिरौन और इनके जादूगरों से हासिल करदा राजों को अपने सिस्टम का हिस्सा बनाए रखा है। इन खुफिया उलूम के हुसूल के बाद इल्लुमिनाती ने दुनिया भर में अपना असर और रसूख बढ़ाया और लोगों के जहनों पर कंट्रोल हासिल करने की पॉलिसी पर अमल पैरा हो गए। इन उलूम में जिन्नात और रूहों से राब्ता करने के तरीके बताए गए। ये लोग अपने इदारों और इमारतों के अंदर और बाहर सांपों वाले साइंस और लोगोस इस्तेमाल करते चले आ रहे हैं। इनके स्कूलों में जिन्नात से राब्ते की तालीम दी जाती है। ये जिन इन्हें अपनी अपनी फील्ड में कामयाबी दिलाने में अहम किरदार अदा करते हैं। यही वजह है आलमी सतह पर इस ग्रुप के लोग दुनिया भर में आला ओहदों पर फायज हैं। वर्ल्ड बैंक का सरबराह जेम्स विल्किंसन भी इस नेटवर्क का मेंबर है। जर्मनी का चांसलर, अमरीकी सदूर का तो एक सिलसिला है, इसी तरह नेटो के सेक्रेटरी जनरल भी हैं। बहुत से लोग इन मशहूर शख्सियत के नामों से वाकिफ हैं जो इन खुफिया तंजीमों से वाबस्ता हैं, जैसे कि हेनरी किसिंजर, डेविड रॉकफेलर वगैरह। लेकिन इनके अलावा हजारों ताकतवर तरीन अफराद भी इन खुफिया तंजीमों से मुंसलिक हैं। अब तारीख अपने आप को दोहरा रही है। अब फिर से इल्लुमिनाती ने कदीम मखरूती स्ट्रक्चर पर अमल दरामद शुरू कर दिया है और अपनी मनपसंद एलीट को आला मकामात पर फायज कर रहे हैं। ये ग्रुप दुनिया भर में मजहबी, इक्तिसादी, ज़राअत, मेडिकल और जुडिशियल शोबों पर छा गई है। जब तक आप इस सिस्टम का हिस्सा नहीं बनते, आपके लिए किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस का हुसूल बहुत मुश्किल और महंगा बना दिया जाता है। ये मखरूती स्ट्रक्चर न सिर्फ मेडिसिन को कंट्रोल करता है बल्कि दौलत की तकसीम पर भी कुदरत रखता है, जिसकी वजह से कर्जों के बोझ तले दबी हुई सोई हुई आवाम बिलबिला रही है। इल्लुमिनाती ग्रुप ने बड़े कमाल से पिसी हुई आवाम को अपने मशहूर कुन हथकंडों से फंसा रखा है, जिसकी वजह से इन्हें एहसास ही नहीं होता कि इनका इस्तेहसान किया जा रहा है। इस ग्रुप ने काले इल्म की बदौलत हासिल होने वाली कुव्वत का इस्तेमाल करते हुए फिल्म, टेलीविजन और मौसीकी पर अपना कंट्रोल हासिल किया है। ये ग्रुप इस कुव्वत की बदौलत लोगों के जहनों को कंट्रोल करता है। ये टेक्निक गैर महसूस तरीके से लोगों के लाशऊर में अपने नजरियात ठूस रही है। सदाम हुसैन, सदाम हुसैन, सदाम हुसैन, सदाम हुसैन, सदाम हुसैन, सदाम 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 हुसैन। Global terrorism, 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 terrorism. The evil terrorists, 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 terrorists. इंसानी जहन को कंट्रोल करने के इन्हीं तौर तरीकों की बदौलत इल्यूमिनाती ग्रुप अपने मखसूस एजेंडे पर अमल कराने में कामयाब है। ये कोई ओल्ड बॉय नेटवर्क नहीं है, ये कोई तुम मेरा ख्याल रखो मैं तुम्हारा ख्याल रखने वाली बात भी नहीं है, ये इस तरह की बात भी नहीं है। तुम्हारी टाइप मेरे जैसी है तो तुम मेरे लिए ठीक हो। ये तो एक ऐसा खूनी रिश्ता रखने वाली नस्ल है जो अपनी मर्जी और नजरियात दूसरों पर ठूंसना चाहते हैं और पूरी दुनिया को कंट्रोल करना चाहते हैं। अमरीकी डॉलर के पीछे उनकी एक मोहर सख्त है। ये ग्रेट अमेरिका की सील है, वो इसे सील कहते हैं। इस सील के पीछे एक मखूती इमारत है। इस मखूती इमारत के ऊपर एक आग मौलक है। अगर आप गौर से देखें मखूती इमारत का ऊपरी हिस्सा नहीं है, ये आग इमारत के ऊपर है। ये नीचे नहीं आएगी क्योंकि वो समझते हैं कि जब तक इनका मेसोनिक प्रोजेक्ट खत्म नहीं हो जाता, जैसे उन्होंने नीचे लिखा है नोवस ओडोसिक्लोरम और फिर एनुएट ओसियोप्टिस, वो हमारे प्रोजेक्ट से खुश है। मतलब उनका खुदा प्रोजेक्ट से खुश है। ये आंख वाला हिस्सा जब तक नीचे नहीं आएगा। लेकिन सवाल ये है, ये मंसूबा है क्या? ये कौन सा प्रोजेक्ट है जिसे इनका खुदा खुश है? एक छोटे से मुल्क से कहीं ज्यादा दांव पर लगा हुआ है। ये एक बहुत बड़ा ख्याल है, एक नया आदमी निजाम। चंद लोग पूरी दुनिया को कंट्रोल नहीं कर सकते मगर कर रहे हैं। सोचने की बात यह है कि इस ग्रुप ने फिरौनों के खुफिया उलूम कैसे हासिल कर लिए और एक ऐसी मखरूती सोसाइटी की बुनियाद रखी जहां चंद अफराद की खिदमत करने के लिए लाखों लोग मौजूद हैं। हमारा सफर मकदूनिया की एक फिलिप की कहानी से शुरू होता है जो सिकंदर आजम का बाप था। रिसर्च से पता चला है कि सिकंदर आजम की नस्ल न सिर्फ फिरौन रमेसेस दोइम से जा मिलती है बल्कि इसका ताल्लुक क्लियोपेट्रा, मार्क एंथोनी और जूलियस सीजर से भी मिलता है। अगर हम कदीम यूनान की तारीख पर नजर डालें तो ये बात वाज़ेह होती है कि रोम के शाह कॉन्स्टेंटाइन का खूनी रिश्ता भी इन्हीं लोगों से जा मिलता है। और एक और जिक्र दिलचस्पी का बायस है कि इनका खूनी रिश्ता बाद में फ्रांस के और फिर बर्तानिया के शाही खानदानों से जा मिलता है। बर्तानवी शाही खानदान का एक फर्द अमेरिका में आबाद हो गया जिसका नाम जॉर्ज बुश है और यह शख्स फिरौन रमेसेस की नस्ल से है। इस तारीखी बस मंजर में जब वो अपने मुमताज आबा और अजदाद की बात करते हैं तो इसका मतलब फिरौन रमेसेस दोइम ही से होता है। अब हमें मालूम है कि अमरीकी नाइट सदर डिक चेनी और बराक ओबामा दूर के रिश्तेदार हैं। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क पोस्ट ने तहकीकात शुरू कर दी है। मैं आपके सामने अमेरिका के 41वें सदर और बेहतरीन वालिद को पेश कर रहा हूँ। हम सब इसके बाप को जानते हैं लेकिन इसके रिश्ते के कजन को कौन जानता है? इसके खानदान का शिजरा एक वेबसाइट ancestry.com ने जारी किया है। डिक चेनी एक ऐसा शख्स है जो किसी भी वक्त सदर बन सकता है। वो दर हकीकत बुश का कजन है। इसकी नवी पोस्ट डिक चेनी से मिलती है। डिक चेनी का दूर का कजन बराक ओबामा भी जॉर्ज बुश के 11वीं पुश्त से है और दूर का कजन है। बराक ओबामा ने कहा है कि वो डिक चेनी का रिश्तेदार नहीं है लेकिन ब्रैड पिट का कहना है कि अगर ये सच है तो फिर उसके साथ मिलना बहुत अच्छा रहेगा।